हेलो एवरीवन। तो अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस की, कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ यू आर राइडिंग ऑन ए ट्रेन दैट स्पीड्स पास्ट एन अदर ट्रेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन ए एडजेसेंट ट्रेन ट्रैक, इट अपीयर्स दैट द अदर ट्रेन इज मूविंग बैकवर्ड, व्हाई? अगर दो एडजेसेंट ट्रैक्स के ऊपर दो ट्रेन्स मूव कर रही हों और एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करे, और जो जिस ट्रेन ने ओवरटेक किया है अगर उसके ऑब्जर्वर दूसरी ट्रेन को बैकवर्ड मूव करता हुआ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसकी रीज़न क्या होगी? तो ये रिलेटिव मोशन की वजह से होता है जी। अगर हम कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं तो हमारे इनर्शियल फ्रेम में जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमें एट रेस्ट फील होंगी, क्योंकि उनके अंदर एक्सेलरेशन जीरो होगी और उनके ऊपर कोई नेट फोर्स हमें फील नहीं होगी। तो इसलिए उन ऑब्जर्वर्स को जो ट्रेन ओवरटेक करके आगे मूव कर रही है उनके लिए जो ट्रेन पीछे रह गई है वो बैकवर्ड मूव करती हुई इसीलिए नजर आ रही है क्योंकि वो खुद अपने आप को रेस्ट पे मान रहे हैं। सो द आंसर इज दैट इज बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन। इफ यू आर मूविंग एट ए फेयरली कॉन्स्टेंट वेलोसिटी you understand this as being at rest. This is your frame of reference. Since you are moving forward faster than the other train is moving backward relative to you. Seeing the other train go past your window from the front to rear make it look like the other train is going backwards. क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इफ यू थिंक सो गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन ये है जी कि अगर हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को रिवर्स कर दें इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसकी एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रहे? बिकॉज हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये पॉसिबल है अगर कोई ऑब्जेक्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ मूव कर रहा हो, तो अगर हम उसे अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, देन कमिंग बैक उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगी एंड टू द स्टार्टिंग पॉइंट उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी बिफोर कमिंग टू द रेस्ट अगेन। तो इस सारी जर्नी के दौरान उसकी जो एक्सेलरेशन है वो हमें पता है, क्योंकि वो इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल है, तो उसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी विच इज कॉन्स्टेंट, दैट इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर। येस, इट इज पॉसिबल दैट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, एंड द एग्जाम्पल ऑफ इट इज when an object is thrown vertically upward under the action of gravity its velocity decreases and becomes zero at maximum height and the body then comes back, in both cases the magnitude of acceleration due to gravity remains constant. Question number 3, when you stand still on the ground how large is the force does the ground exert on you? Why doesn't this force make you rise up into the air? क्वेश्चन ये है कि जब आप ग्राउंड के ऊपर स्टैंड स्टिल होते हैं, रेस्ट के ऊपर खड़े होते हैं, तो ग्राउंड कितनी फोर्स आपके ऊपर लगा रहा होता है और ये फोर्स आपको एयर के अंदर फ्लाई क्यों नहीं करवा देती? ये जो पुश आपके ऊपर लग रही है इसकी वजह से आप हवा में उड़ क्यों नहीं जाते? अच्छा, आंसर इज के देखें, अब जितना आपका वेट होगा ना, जितना आप एक्शन एग्जर्ट करेंगे उतना ही ग्राउंड की तरफ भी से भी रिएक्शन होगा। और इसके सेकंड पार्ट का आंसर बेसिकली फर्स्ट पार्ट में ही हिडन है कि अगर ग्राउंड आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो आप भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, इसी वजह से आप एयर के ऊपर एयर के अंदर राइज अप नहीं हो रहे, यानी कि इनटू द एटमॉस्फेयर आप नहीं जा रहे। बेसिकली ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। When you stand still on the ground, ground exerts a force equal to your weight. According to Newton's third law, action and reaction are equal in magnitude but opposite in direction. ठीक है जी, तो जितना आपने फोर्स लगाई उतना ही ग्राउंड ने भी लगाई, तो दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो गई। क्वेश्चन
Question number 4. A man standing on the top of a tower throws a ball vertically up with a certain velocity. He also throws another ball vertically down with the same speed, neglecting the air resistance. Which ball will hit the ground with higher speed? तो इसका आंसर सिंपल है जी. देखें, जिस बॉल को आपने अपवर्ड थ्रो किया है ना, तो अपवर्ड जिस पॉइंट से थ्रो किया है ना आपने, उस पॉइंट के ऊपर वो अपवर्ड जाएगा उस पॉइंट से. फिर वापस जब उस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो उसकी इनिशियल पॉइंट वाली पोजीशन पे जितनी भी वेलोसिटी आपने प्रोवाइड की थी उतनी ही हो जाएगी. और उतनी ही वेलोसिटी से आपने सेकंड बॉल को भी डाउनवर्ड थ्रो किया है, तो दोनों की वेलोसिटी कॉमन पॉइंट से सेम ही है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो ग्राउंड पे सेम वेलोसिटी के साथ हिट करेंगे. बोथ द बॉल्स हिट द ग्राउंड विद सेम स्पीड. By ignoring air friction, both balls will strike the ground with same speed because the ball moving upward will gain the same speed at the common point where the second ball started moving downward. Question number 5. A cricket coach explains that follow through with the shot will make the ball travel a greater distance. Explain the reason in terms of impulse momentum theorem. So according to the relation F cross T, delta T is equals to delta P, and we know that delta P is equals to J, that is impulse. Now F cross delta T is equals to J. Here by mean of cross is simply the meaning in terms of multiplication, not a vector or scalar product. According to the relation, if the batsman wants to make the ball to travel greater distance, then he has to increase the time of impact, which will increase the impulse. Follow through of the batsman will make the contact between the ball and the bat for longer time. Question number 6. When you release an inflated but untied balloon, why does it fly across the room? जब हम किसी बैलून में हवा भर देते हैं लेकिन उसको टाई नहीं करते, तो जब उसे रिलीज करते हैं तो वो रूम के अंदर ये zigzag motion क्यों परफॉर्म करता है जी? Air escapes from the balloon that carries momentum. By momentum conservation, the balloon acquires momentum which is exactly opposite to the momentum of the escaping air. Therefore, it flies in a direction which is opposite to the velocity of escaping air. इसको आप न्यूटन्स थर्ड लॉ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो एयर मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं बैलून से, वो एटमॉस्फेयर के एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेंगे, और क्योंकि वो कंबाइन इफेक्ट में एक काइंड ऑफ फ्लूइड बाहर आ रहा है, तो उसी फ्लूइड के ऊपर जितनी फोर्स वो एग्जर्ट कर रहे हैं उतनी ही फोर्स बैलून के ऊपर भी, यानी कि क्योंकि बैलून उसके साथ एक सिस्टम है तो उसके ऊपर भी उतनी ही फोर्स एग्जर्ट की जाएगी, इसलिए वो zigzag मोशन परफॉर्म करेगा ड्यू टू इट्स लाइट वेट. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इनिशियली जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए. अगर एयर मॉलिक्यूल्स फॉरवर्ड आ रहे हैं तो बैलून को बैकवर्ड मूव करना होगा टू कंजर्व द मोमेंटम, क्योंकि हमने फाइनल मोमेंटम भी जीरो ही प्रूव करना है. Question number 7. The modern cars are not rigid but are designed to have crumple zone, that is irregular fold that collapse upon the impact. What is the advantage of the new design? According to the relationship between force and momentum, force is equals to rate of change of time rate of change of momentum. From above relation, it is shown that if the time of impact is increased, the force is decreased. Crumple zones in modern cars are used for safety feature. According to the relation, when car collide with another car, then the crumple zone makes the time of impact greater and hence the force of impact is decreased. So
ये जो क्रम्पल जोन्स होते हैं जी, ये जो इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं, ये बेसिकली वो फोर्स, वो कुलियन, वो जो शॉक होता है एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो गाड़ी के अंदर पैसेंजर्स होते हैं उन तक वो शॉक और वो वाली फोर्स इंस्टेंटेनियसली नहीं पहुंचती, और वो सेफ होते हैं फ्रॉम इंजरी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई वी हिट ए लॉन्ग सिक्सर इन क्रिकेट मैच रादर देन इफ वी टॉस ए बॉल फॉर आवर सेल्व्स। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि हम क्रिकेट मैच, ड्यूरिंग मैच जो बैट्समैन होता है वो ज़्यादा दूर तक बॉल को हिट करके फेंक सकता है, रादर देन कि अगर वो खुद ही बॉल ऊपर फेंके और खुद ही उसको उसने हिट करना हो तो तब बॉल इतना दूर नहीं जाती, ऐसे क्यों होता है? तो इसका आंसर है जी हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स, एफ मल्टीप्लाइड विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू द जे, दैट इज इम्पल्स। इन ए क्रिकेट मैच द बॉलर पिच द बॉल ऑन द ग्राउंड एंड द पेस ऑफ द बॉल इज रिड्यूस्ड एंड वी हैव ग्रेटर टाइम, दैट्स वाई इट इज ईजियर टू हिट द बॉल हार्ड फॉर सिक्स। ऑन द अदर हैंड, इफ वी टॉस ए बॉल इन एयर, वी हैव वेरी लेस टाइम टू हिट द बॉल, दैट्स वाई वी कैन नॉट हिट द बॉल हार्ड फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 9, एन एरोप्लेन वाइल ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली ड्रॉप ए बॉम्ब व्हेन इट वॉज एग्जैक्टली अबाउट द टारगेट, दी बॉम्ब मिसेज द टारगेट, एक्सप्लेन। एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है जी, और उसने बॉम्ब ड्रॉप किया है, लेकिन वो उस बॉम्ब ने टारगेट को मिस कर दिया, और हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऐसे क्यों हो रहा है। बेसिकली दैट इज ड्यू टू इनर्शिया, बॉम्ब भी क्योंकि हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा था तो इंस्टेंटेनियसली ड्रॉप करने की वजह से बॉम्ब को ये मैसेज कुछ इंस्टेंट्स के बाद मिलेगा कि अब वो एरोप्लेन के साथ ट्रेवल नहीं कर रहा। तो वो जो कुछ इंस्टेंट्स हैं उन इंस्टेंट्स में बॉम्ब का मोशन भी हॉरिजॉन्टल ही होगा। तो अगर आप डायरेक्टली अबाउ इन मूविंग हॉरिजॉन्टली एरोप्लेन में बॉम्ब ड्रॉप करेंगे तो वो थोड़ा सा मूव करके आगे जाएगा और थोड़ा फर्दर अवे जाके ड्रॉप होगा। द रीजन इज दैट बॉम्ब इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द सेम स्पीड एज दैट ऑफ एरोप्लेन, बॉम्ब इज फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड दस फॉलो ए प्रोजेक्टाइल पाथ इन विच बॉम्ब विल कवर सम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड हैंस मिसेज द टारगेट व्हेन इट इज रिलीज एग्जैक्टली अबव द टारगेट। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच काइनेटिक एनर्जी एट द समिट इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो जिस टाइम पे आपने उसको प्रोजेक्ट किया है उस टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी थी, हाईएस्ट पॉइंट समिट पॉइंट वो होता है जो हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट होता है इन प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स है उस इनिशियल पॉइंट के। तो गिवन डेटा को फॉलो करते हुए हम देखते हैं जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। देखें, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर सिर्फ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रहा होगा, बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचने के बाद 0 हो जाएगा। दैट्स वाई कि हम वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा यूज करें। नाउ अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। हमने लेफ्ट साइड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी को 4 से इसलिए डिवाइड करवाया क्योंकि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये फ्रॉम इनिशियल पॉइंट है, और फ्रॉम इनिशियल पॉइंट नाउ इट इज दी 4 टाइम्स रिड्यूस, इट इज बेसिकली रिड्यूस टू 4 टाइम एट दी समिट पॉइंट, तो इसलिए हमने इसको 4 से डिवाइड करवाया। तो आप काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लिख दें हाफ एम वी स्क्वेयर लेफ्ट साइड के ऊपर, और
जो पहले हमारे पास 4 था वो यहाँ से जो राइट साइड के ऊपर 2 था उससे कैंसिल हो गया, देन अगेन ये 4 बन जाएगा, एम वी स्क्वेयर दोनों साइड से ख़त्म। आप दोनों साइड्स पे स्क्वेयर रूट ले लें टू रिमूव दी स्क्वेयर टर्म ऑन स्क्वेयर ऑन दी कॉस थीटा, तो फिर आप कॉस इनवर्स ले लें और कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 इज़ बेसिकली इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप अगर 60 डिग्री एंगल के ऊपर उस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स फ्रॉम इनिशियल पॉइंट रिड्यूस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर एनी स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन द मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू दी 4 टाइम्स ऑफ दी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट डिस्कस। तो हमारे पास जो रेंज का रिलेशन है जी वो है आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब इन्होंने कहा है मैक्सिमम रेंज, तो आर मैक्सिमम जो होती है वो होती है एट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो हमारे पास जो आर मैक्सिमम का आंसर यहाँ से आता है वो है वी आई स्क्वेयर ओवर जी। ठीक है, अब हाइट की बात करते हैं। हाइट का रिलेशन है हमारे पास वी आई स्क्वेयर, हाइट इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। अब एंगल हमने सेम ही यूज करना है जी, सो 8 थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, हाइट इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वेयर साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g। अब यहाँ पर साइन 45 जो है ये बेसिकली इसका स्क्वेयर भी है, सॉरी स्क्वेयर साइन 45 जो है ना जी, साइन 45 डिग्री वो बराबर है 1/√2 के। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, आपको मिलेगा वी आई स्क्वेयर 1/√2 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास के हाइट इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वेयर 1/2 डिवाइडेड बाय 2g। अब वो 2 नीचे आएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, वी आई स्क्वेयर ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू जी। नाउ वी आर लेफ्ट विद वी आई स्क्वेयर ओवर 4g। फ्रॉम रिजल्ट ए अगर हम इसको अलग करें, हम इसको ऐसे लिखें 1/4 वी आई स्क्वेयर ओवर जी, तो हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम ए हाइट इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू आर मैक्सिमम, और थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमें 4h इज इक्वल्स टू आर मैक्सिमम मिल जाएगा। दैट वॉज दी रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 12, वट इज द एंगल फॉर विच द मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड द कॉरिस्पॉन्डिंग रेंज आर इक्वल। तो अब हमने वो एंगल फाइंड करना है जिसके ऊपर मैक्सिमम हाइट और रेंज इक्वल होंगे। तो हमारे पास जो इनके रिलेशंस हैं रेंज और हाइट के, हम यहाँ साइड पे वो लिख लेते हैं पहले। रेंज का जो रिलेशन है वो है वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, और जो हाइट का रिलेशन है वो है वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। ठीक है जी, अब हमने गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक आर और h को इक्वल रखना है।
तो आर का जो रिलेशन है वो है वी आई स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू जी वी आई स्क्वायर जी की वैल्यू ख़त्म, हमारे पास रह गया साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू। तो हम यहाँ पे साइन टू थीटा की वैल्यू लिखते हैं जी, टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू। साइन की एक पावर यहाँ से ख़त्म, हमारे पास आ गया जी कि आप ये जो टू है ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें जो डिनोमिनेटर में टू है इधर, तो हमें मिल जाएगा फोर, और ये जो कॉस थीटा है ये आप इधर साइन के साथ डिवाइड करवा दें तो हमें मिलेगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है, और आप लिख सकते हो कि टेन इनवर्स ऑफ फोर इज इक्वल्स टू थीटा। तो टेन इनवर्स ऑफ फोर जो है जी हमारे पास वो 76 डिग्री के बराबर होता है। सो दैट वाज द रिक्वायर्ड एंगल।